बनिए छत्तीसगढ़ में करते हैं आप सभी का स्वागत। तो चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की आज की एक एक करके सभी बड़ी खबरें। जगदलपुर नक्सलियों को ऑपरेशन प्रहार 3 का है खौफ। पर्चा जारी कर कहा पुलिस ड्रोन से माओवादियों को बना रही है अपना निशाना। गुरिल्ला टीम को जहरीला खाना भी भेजा। IG बोले ये झूठी कहानी बना रहे हैं। कागजों में नाली बनाने वाले नपा अध्यक्ष के घर पर पड़ा छापा। मुंगेली में नेता अधिकारियों ने मिलकर किया यह कारनामा। FIR के बाद सभी आरोपी हैं फरार। 13 लाख रुपए का घोटाला आया है सामने। सावन में रूठी बरखा। पिछले 2 दिनों से आसमान में छाए हैं बादल पर बरसे नहीं। अगले 48 घंटों में भी बारिश की संभावना है कम। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा अभी करना पड़ेगा बारिश का इंतजार। जगदलपुर दंतेवाड़ा के मासापारा में 7 साल बाद बजी स्कूल की घंटी। 2014 में नक्सलियों ने तोड़ दिया था स्कूल, अब खुद ही बनवाया। पहले दिन 27 बच्चे पहुंचे स्कूल। कलेक्टर की क्लास में सब बोले हम बनेंगे अफसर। रायपुर के पेट्रोल पंप में कर्मचारी से छीने रुपए। युवकों ने बाइक में भरवाया 250 रुपए का पेट्रोल, फिर मांगा आयल का पाउच। कर्मचारी झुका तो जेब से निकाल लिए 30,000 रुपए। दुर्ग में वैक्सीनेट टीचर को ही दी जा रही है स्कूल में एंट्री। बैलून और आकर्षक पेंटिंग के जरिए बच्चों का किया गया वेलकम। पहले दिन क्लास नहीं लगी, बातों में बिताया गया समय। बच्चे बोले ऑनलाइन पढ़ाई में डाउट नहीं होता है क्लियर। रायपुर में 1.5 साल बाद स्कूलों में फिर लौटा रौनक। बच्चों और शिक्षकों पर सख्त रहा प्रबंधन। VIP मेहमानों के साथ शिक्षा मंत्री पहुंचे तो भीड़ में टूटी कोरोना गाइडलाइन। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण का खतरा एक बार फिर बढ़ गया है। रविवार को प्रदेश में 214 लोगों में संक्रमण की हुई है पुष्टि। इनमें से आधे से ज्यादा मरीज है दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर जिलों के। शनिवार को प्रदेश में नए मरीजों की संख्या केवल 102 थी। एक दिन के अंतराल में यह अंतर से 2 गुने से अधिक हो चुका है। संक्रमण की इन आंकड़ों ने प्रशासन की बढ़ा दी है चिंता। अधिकारियों ने कहा अगर संक्रमण के यह आंकड़े 1-2 दिन स्थिर रह गए तो गंभीर समस्या हो सकती है। सिलेगर गोलीकांड की न्यायिक जांच नहीं, 6 महीने के भीतर पूरी होगी मजिस्ट्रियल जांच। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नेताओं की मुलाकात के बाद दिया इतना आश्वासन। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में कोरोना संक्रमण के आंकड़े एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। जिले में रविवार को 60 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि यह 4 दिन की पेंडिंग रिपोर्ट के कारण हुआ है। बताया जा रहा है 29, 30, 31 जुलाई और 1 अगस्त की रिपोर्ट है शामिल। RT-PCR रिपोर्ट देरी से भी जारी, इसलिए आंकड़ा दिखाई दे रहा है अधिक। रविवार को 1493 सैंपल कराए गए थे। दूसरी ओर राज्य से जारी आंकड़ों में 70 पॉजिटिव मरीज बताए गए हैं। जिले में कोरोना मरीजों के मिलने की दर में भी बढ़ोतरी। अभी जिले में रिकवरी रेट 98% के करीब बनी हुई है। रविवार को 11 मरीज कोरोना से रिकवर भी हुए हैं। दंतेवाड़ा में 400 महिलाएं बनी आत्मनिर्भर। गवर्नमेंट फैक्ट्री में 4 महीने में 7.5 करोड़ रुपए की 1.27 लाख शर्ट सिलकर भेजी दिल्ली और बेंगलुरु। कोरोना काल ने कई परिवारों को दिया ऐसा जख्म जिसकी भरपाई कर पाना संभव नहीं है। ऐसा ही कुछ पत्थलगांव ब्लॉक के माकर चुआ की बिटिया मुनिया भगत के साथ हुआ। मुनिया भगत मध्य प्रदेश के शिवपुरे जिले में सहायक शिक्षिका के पद पर कार्यरत है। मुनिया भगत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्कूल शिक्षा से लगा रही है गुहार। पति व बेटी को खो देने के बाद टीचर प्रदेश में चाहती है नौकरी। छत्तीसगढ़ में जंगली हाथियों को खिलाने के लिए मार्क फेड से धान खरीदी की योजना पर हो गया विवाद खड़ा। विपक्ष ने खरीदी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की जताई आशंका। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने पूछा कि जब सरकार इस साल खरीदा हुआ धान खुले बाजार में 1350 से 1400 रुपए प्रति क्विंटल बेच रही है तो वन विभाग को 1 साल पुराना धान 2000 रुपए से अधिक खरीदने की क्या मजबूरी है। छत्तीसगढ़ में राज्य खेल पुरस्कारों की प्रक्रिया हो गई है शुरू। खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों एवं निर्णायकों से आवेदन मंगाए हैं। राज्य खेल संघों की अनुशंसा के साथ ये आवेदन 7 अगस्त तक खेल विभाग के जिला कार्यालयों में ऑफलाइन ही जमा करना होगा।
छत्तीसगढ़ में ठग नए नए तरीकों से वारदात को दे रहे हैं अंजाम। अब वे वारदात से पहले विश्वास जीतने लगे हैं, फिर गहने या सामान लेकर हो जाते हैं फरार। मुंगेली जिले में ऐसा ही मामला आया है सामने। यहां एक महिला ने महिलाओं को गंदे बर्तन साफ कर किया खुश, फिर गिफ्ट देकर दिल भी जीत लिया उनका। इसके बाद सोने चांदी समेत 2 लाख रुपए का सामान लेकर हो गई फरार। नोरमी पुलातिर महिला की कर रही है तलाश। दोस्तों इस वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर, हमारे यूट्यूब चैनल गूगल छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।